हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कॉपेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, मैं हूं अभी मेरठ एक्सप्रेसवे में एंड मेरे साथ है आज टाटा पंच। तो मैं सोच रहा हूं आज आपके लिए एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू बनाते हैं इस कार का, कि ये कार हाईवे में कैसा परफॉर्म करती है। सिटी के लिए हम किसी दिन और सेपरेट एक रिव्यू वीडियो बनाएंगे, बट आज का रिव्यू वीडियो मैं सोच रहा हूं हाईवे पे बनाएं, कि हाईवे पे ये कार कैसा परफॉर्म करती है एंड हाईवे में जब आप इसको चलाते हो तो आपको क्या कॉन्फिडेंस फील होता है, क्या इसकी हैंडलिंग है इसकी कैसी, एंड ये क्या कार हाईवे पे आपको माइलेज निकाल के देती है। तो वीडियो में बने रहो एंड जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इस कार का पहले मैंने कभी ड्राइव रिव्यू बनाया हाईवे पे या नहीं मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट आज के वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये कार हाईवे पे आपको कैसी परफॉर्मेंस देती है। तो गाइस, अभी मैं जितना बताता हूँ कि अभी हमने 72 किलोमीटर कवर किया है इसका, एंड जो अभी मुझे एवरेज शो कर रहा है ना, ये कर रहा है 17.6 की। सो गाइस, अभी जो मैं स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ ना हाईवे पे, वो मैं चल रहा हूँ 80-100 के बीच में, एंड अगर आप इस स्पीड पे चलते हो तो ये कार आपको अभी भी एवरेज के मामले में डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ये आपको अच्छी एवरेज निकाल के देगी अगर आप इसको 80-100 के बीच में ड्राइव करते हो। तो ये तो बात थी एवरेज की, बट ऑब्वियसली हर लोगों का ड्राइविंग हैबिट अलग होती है, हर लोग अलग तरीके से ड्राइव करते हैं कार को, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग कार को 80-100 के बीच में चलाएं। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप इसको 100 प्लस चलाते हो तो उस केस में ये कार आपको कितना कॉन्फिडेंस देती है, कार में कितना बॉडी रोल है या नहीं है, कार की हैंडलिंग कैसी है, उस केस में मैं आपको अगर बताऊं, आप इसको 100-120 जब भी चलाते हो तो ये कार में 120 तक की स्पीड में ऐसा आपको लगेगा नहीं कि आप कहीं से कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, बहुत ही स्टेबल होके चलती है। अभी आप जैसे देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, हमारी एवरेज जो स्पीड जा रही है वो 100 प्लस जा रही है, एंड 100 प्लस 120 के अराउंड भी आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं से कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो, काफी स्टेबल होके चलती है इस स्पीड पे भी ये कार, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि 120 तक कि आपको कहीं से भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है या कहीं से भी कार स्टेबल नहीं है, काफी स्टेबल होके चलती है बिकॉज ऑफ इस कर्व वेट ऑल्सो, कि कर्व वेट कार का काफी अच्छा है, तो उस वजह से कार रोड पे जो चलती है ना काफी चिपक के चलती है एंड काफी स्टेबल रहती है। बात करूं हैंडलिंग की, तो कार की हैंडलिंग भी बहुत जबरदस्त है यार, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कॉन्फिडेंस लूज करोगे, हैंडलिंग बहुत अच्छी है कार की। एंड जो आप ये देख रहे हो ना स्टेयरिंग, जितना ये कार स्टेयरिंग इसका सिटी में लाइट रहता है ना, हाईवे पे जाके इतना ही उसमें हार्डनेस और इतना ही थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है हाईवे पे, तो हैंडलिंग भी कार की जबरदस्त है। तो मेरे हिसाब से तो अगर मैं देखूं कंफर्ट की बात करता हूं, लेकिन कंफर्ट भी मेन है, जब भी आप हाईवे ड्राइव करते हो तो आपके लिए कंफर्ट भी मेन होता है कार में, तो कंफर्ट की बात करूं तो सीट्स काफी कंफर्टेबल है, बट एक इशू आता है जो इवन को थोड़े लंबे लोग होंगे उन लोगों के लिए, ये जो पोर्शन है ये आपका लगता है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा कभी, बट उसके अलावा सीट्स कंफर्ट काफी सही है, कुशनिंग भी सीट की काफी सही है, सपोर्ट भी जो सीट्स पे आपको दिया गया है स्पेशली जो इसकी पायलट सीट्स आगे वाली वो काफी अच्छा है। इवन अगर मैं बात करूँ रेयर सीट कंफर्ट की तो वो भी काफी अच्छा है इस कार में, सो ओवरऑल कंफर्ट वाइज भी मैं इस कार को बताऊंगा कि ये कार हाईवे के लिए काफी अच्छी है। एंड ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं पूरा, तो मैंने जितना भी इस कार को ड्राइव किया मैंने मोस्टली इस कार को हाईवे पे ड्राइव किया है, एंड मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस कार के साथ हाईवे ड्राइविंग का वो बहुत ही अच्छा है, हाईवे में ये कार बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, एंड जो भी आपकी कंप्लेंट रहती है रिलेटेड टू एवरेज इस कार के वो आपको हाईवे एटलीस्ट हाईवे ड्राइविंग में तो फील नहीं होगी, हाईवे पे अगर आपको ये अच्छा माइलेज निकाल के ही देगी। एक कमी जो फील होती है मुझे, मैं उसको भी बताना चाहूंगा वीडियो में, एक कमी जो फील होती है वो होती है कभी कभी कि इसमें आपको वो क्विक एक्सेलरेशन नहीं मिलता, स्पेशली अगर आप जब 80 की स्पीड के बाद जाते हो तो आपको वो क्विक एक्सेलरेशन इस कार में नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि इंजन इसका अंडर पावर है, बट एक वो ही पॉइंट है बिकॉज ऑफ थ्री सिलेंडर इंजन है एंड 1.2 लीटर इंजन जितने भी कार्स को मैंने ड्राइव किया है उसमें फील होता ही है अंडर पावर है वो, एंड
मेन जो रीजन इसका ये भी है बिकॉज थ्री सिलेंडर है तो उतनी पावर जनरेट नहीं हो पाती इससे, तो थोड़ा ये रीजन ये एक इशू लगता है कि आपको कभी कभी इसमें अंडर पावर फील होगा ये इंजन। अदरवाइज उसके अलावा हाईवे ड्राइविंग के लिए मुझे ये कार काफी पसंद है, एज वी ऑल नो कि सेफ्टी रेटिंग के साथ बन जाती है एंड पूरा कॉन्फिडेंस रहता है आपको जब भी इस कार को आप हाईवे पे चलाते हो। तो मेरे हिसाब से तो हाईवे ड्राइविंग के लिए इस सेगमेंट में मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर इस सेगमेंट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार जो आ रही है। एंड अगर मैं कंपेयर करूँ इस सेगमेंट की और कार से, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल से कंपेयर करूँ मैं इसको, तो उस केस में तो हाईवे के हिसाब से ये कार एक्सेल से बहुत बेटर है। अगर मैं बोलूँ तो यार एक्सेल आपके लिए ना सिटी ड्राइव के लिए अच्छी हो सकती है, बट जब बात आती है हाईवे ड्राइव की तो आई डोंट थिंक सो आपको इस सेगमेंट में पंच से बेटर कोई कार मिलेगी। एक तो विजिबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है, कैबिन में अगर आप इसके अंदर बैठोगे तो कैबिन भी काफी एयरी फील होता है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं से कि आपको कैबिन के अंदर सफोकेशन से फील हो रही है, काफी एयरी कैबिन है इसका। विजिबिलिटी भी कार की काफी अच्छी मिलती है, हैंडलिंग भी अच्छी है एंड स्टेबिलिटी भी रोड पे इस कार की काफी ज्यादा अच्छी है। तो हर एंगल से मैं बताऊं ना, अगर हाईवे ड्राइव के लिए तो हाईवे ड्राइव के लिए ये कार बहुत बढ़िया है। अगर आप इस सेगमेंट अगर आपका हाईवे पे ट्रैवल ज्यादा है तो आप डेफिनेटली इस कार को चूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये हाईवे के लिए इस सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कार है। तो आपको कैसा लगता है, अगर आप भी पंच ओन कर रहे हो तो आपके क्या एक्सपीरियंस है हाईवे ड्राइव के मामले में इस कार के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड तो यार छोटी सी वीडियो थी, मैं बस अपना एक ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था आपसे हाईवे का इस कार का। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पॉइंट से आप डिसएग्री कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो पूरी तरह सही नहीं है इस कार के बारे में, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।